नमस्कार किसान भाइयों, किसान भाइयों आज आपको दिखाने जा रहे हैं अवतार कंपनी जो कि अहमदगढ़ पंजाब में है, उसमें रोटावेटर को कलर कैसे होता है। क्योंकि ज़्यादातर किसान भाइयों को कलर की ही दिक्कत आती है, जब रोटावेटर पानी में कीचड़ में चलना होता है तभी वो रंग की पेपड़ी उतरने की समस्या आती है। तो देखिए ये जो आप देख रहे हो ये है अवतार रोटावेटर के पार्ट्स। देखिए इनको ट्रॉली में हैंग करके यानी कि लटका कर इस ओवन में डाला जाएगा। देखिए ये ओवन में इसको 80 डिग्री तक पकाएंगे इस रोटावेटर के सभी पार्ट्स को, ताकि जो इसकी शाइनिंग बरकरार रहे, मजबूती रहे पेंट की और हार्डनेस है वो मेंटेन रहे। देखिए ये रहा रोटावेटर की छत हम बोल देते हैं। ये रोटावेटर का गियर अलग से पार्ट वाइज इसको यहाँ पर कलर करके रखा गया है। ये रहा रूटर और ये रहा रोटावेटर का पीछे वाला डाला जिसको मेड बोलते हैं हम, और ये साइड वाला ढक्कन हो गया, साइड प्लेट होगी साइड प्लेट, और ये अपने हो गया स्टैंड नीचे वाला। और भी कई जो पार्ट हैं इन्होंने पेंट कर कर यहाँ पर रखे हुए हैं। और इसका जो मेन कारण है ओवन में पकाने का वो ये है कि पेंट की जो क्वालिटी है, पेंट की क्वालिटी बनती है और वो सालों साल चलता है पेंट। ये स्पेशल जो भट्टी है जिसको हम ओवन बोल देते हैं उसमें ये पकाया जाएगा, पूरे 80 डिग्री पे ये पेंट पकाया जाएगा। आपको आज नई जानकारी दे रहे हैं किसान भाइयों, आपने रोटावेटर तो कई बार चलाया होगा पर आपको ये जानकारी आज दे रहे हैं कि इस पर रंग कैसे होता है। देखिए इस कंपनी ने ऐसा नहीं किया कि रोटावेटर सीधा पूरा असेंबल है, फिटिंग है, उसको बस स्प्रे पेंट करके रंग कर दिया, ना ना, इन कंपनी ने पूरा पार्ट वाइज, देखिए ये जो साइड वाला उसका होता है जिसमें डिस्क चलती है, ये वाला पार्ट अलग से रखा है। देखिए अवतार कंपनी की मोहर भी लगी हुई है। तो सर मुझे आप बता सकते हो कि ये जो पार्ट वाइज करने का क्या मकसद है आपका इस रोटावेटर को? पार्ट वाइज करने से क्वालिटी बनती है जी और प्रोडक्शन निकलती है। ओके, ढंग से होता है। ओके ओके, और देखिए तो ये थे हमारे जो इस कलर यूनिट का देखते हैं सारा, इनसे आज बात कर रहे हैं हम। और आप और बताइए कि इससे मतलब कि स्प्रे पेंट हम अगर बिना उसके ओवन के करते हैं उसके क्या नुकसान है और इसके क्या फ़ायदे हैं अगर हम इस ओवन में पेंट करते हैं? जो ये वाला पेंट होता है इसको पीजू पेंट बोलते हैं, 2K। जी जी, इसके बीच में हार्डनर पड़ता है। जी, हार्डनर इसकी हार्डनेस इतनी बढ़ा देता है जिसकी लाइफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ओके, और ओवन में डालने का क्या मतलब है इसका? ओवन से इसकी जो हार्डनेस है वो मेंटेन हो जाती है, मतलब कि पक जाती है, जितनी हम करना चाहते हैं जितना पकाना चाहते हैं इसको उतना पक जाता है। जी जी जी, और अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ जो थ्रेशर पे रंग ये कंपनी करती है अवतार सिंह एंड सन्स कंपनी, जो कि अहमदगढ़ शहर में है, वो कैसे कैसे करती है। ये भाई साहब खड़े हैं, इनसे हम बात करेंगे कि कैसे कैसे इसको तैयार किया जाता है और कैसे कैसे जो इस पर रंग की जो शाइनिंग है वो बढ़ा दी जाती है। भाई साहब ये बताइए आप कैसे कैसे इसको कलर करते हो? इसे कलर करते ही ऑरेंज। नो नो, इसका क्या पहले इसको सफाई करते हो, इसका क्या क्या करते हैं? पहले करते ही ग्राइंडर लगाते हैं। पहले ग्राइंडर लगाते हो? देखिए ये जो भाई साहब हैं पहले जो पेंटर हैं, ये पहले इस जो इम्प्लीमेंट है जैसे ये बैक टोकरी थ्रेशर है इसको पहले आप ग्राइंडर लगाते हो? हाँ जी, ग्राइंडर लगाते हैं। ओके, उसके बाद जी? उसके बाद ही छोटी कचरा लाते हैं, बेल्डिंग लगाते हैं। ओके, कि जो बेल्डिंग का कचरा होता है वो साफ करते हो? हाँ जी। और उसके बाद अगला प्रोसेस क्या होता है? उसके बाद तेल मारते हैं। अच्छा, साफ करने के लिए आप इस पर थिनर मारते हो? थिनर मारते हो। और उसके बाद फिर प्राइमर डालता है? ओके, प्राइमर, जो ऐसा प्राइमर है ये बोल रहे हो आप? ओके, उसके बाद अस्तर बोलते हैं हिंदी में। क्या चीज? अस्तर बोलते हैं। ओके ओके, अस्तर इस पर लगाया जाता है। और उसके बाद लास्ट प्रोसेस इसका कलर का है? ओके ओके, और आप हमें बता सकते हैं कि कलर अच्छा कैसे किया जाता है, मतलब कि आपको टेक्निक होगी क्या, आपके पास कला है ऐसी कि कलर बढ़िया किया जाए? कलर ही बाकी सफाई है, पूरी सफाई चाहिए। ओके, पहले ज़्यादातर जो मेन बात है वो सफाई की है, सफाई ज़्यादा चाहिए। सफाई चाहिए, ग्राउंड ग्राउंड बना चाहिए पूरा। क्या चीज़? ग्राउंड ग्राउंड मतलब प्लेन
ओके ओके, प्लेन होना चाहिए। देखिए इन भाई साहब ने कहा है कि अगर इसका जो नीचे वाले इम्प्लीमेंट के जो ग्राउंड है प्लेन होगा, यानी कि ये देखिए भाई साहब सफाई कर रहे हैं, एकदम से सफाई होगी तभी ये जो इसका पेंट की शाइनिंग आएगी। ये आप कंपनी का नाम बता दीजिए, कंपनी का नाम क्या है? अवतार कंपनी। कहाँ पर है ये अवतार कंपनी? अहमदगढ़ में। अवतार लुधियाना जिला में पड़ती है। कौन से? लुधियाना जिला। ओके ओके, लुधियाना जिला में पड़ती है। ठीक है ठीक। आपको कितने साल हो गए काम करते हुए? हमको भी 25 साल हो गए। ओके ओके ठीक है ठीक है। ओके ओके। और ये कौन से थ्रेशर खड़े हैं? ये धान वाले। धान वाले हैं। ओके ओके, इसको भी आप ही रंग करते हैं? ठीक है ठीक है। देखिए ये रहा जो पीछे पेंट किया था, जो इन्होंने पीछे पेंट किया था, ये देखिए। अगर ये सीधा ही इसको पेंट कर देते हैं, ये जो निकल के जो बोल्ट हैं वो नज़र नहीं आते, इस पर भी पेंट हो जाता है। अगर ये पार्ट वाइज करते हैं, देखिए कितना अच्छा सुंदर लग रहा है। अभी ये तैयार नहीं किया इन्होंने, इस पर स्टिकर वगैरह नहीं लगाए। यह है अवतार कंपनी का रोटावेटर। ये वैसे सुपर सीडर है, बस इस पर टैंकी ऊपर जो लगाई गई है, कितनी अच्छे से शाइनिंग वाला। देखिए इसको भट्टी में, इसको ओवन में पका कर देखिए कितने अच्छे से इसकी जो शाइनिंग आ रही है। और देखिए एक बात आपने नोट की होगी इसमें कि अदर कंपनी के जो सुपर सीडर या कोई भी बिजाई वाली मशीन होगी वो होती है, उस पर इस पर भी कलर होता है। देखिए पार्ट वाइज करने के कारण जो इन्होंने जो इसके होते हैं फीडर जो हैं, फीडर पे भी इन्होंने अलग से रंग किया है। देखिए इस रोटावेटर और सुपर सीडर की गारंटी के साथ ये पेंट की गारंटी भी लेते हैं, ये कंपनी पेंट की गारंटी भी लेती है। देखिए ये है अवतार कंपनी का सुपर सीडर। आपको जो मैंने दिखाया था जो ओवन में रंग, वो यही वाला रंग है। शाइनिंग देखिए इसकी कितनी बरकरार शाइनिंग है। अभी इस पर कोई स्टिकर वगैरह नहीं लगे हुए, बट इसकी जो आप शाइनिंग देख सकते हो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो ये था अवतार सिंह एंड सन्स कंपनी अहमदगढ़ पंजाब का कलर वाला यूनिट जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया है। तो किसान भाइयों, आपने रोटावेटर या सुपर सीडर और कोई भी इम्प्लीमेंट है, आपने उसको यूज़ तो किया होगा, पर आपने कभी ये नहीं देखा होगा कि इसको कलर कैसे होता है, इसकी मजबूती कलर की कैसे बनती है। तो आज मैंने आपको इस कंपनी जो अवतार कंपनी है इसका पूरा यूनिट दिखाया है कि कैसे कैसे इस पर पेंट किया जाता है पार्ट वाइज, ताकि इसकी जो डिज़ाइन है वो भी अच्छा रहे और जो इसकी मजबूती है कलर की वो भी बनी रहे। और देखिए यहाँ पर इनका रोटावेटर भी खड़ा है। रोटावेटर ये रहा सुपर सीटर। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें, ताकि बाकी किसान भाइयों को भी पता चल सके कि जो कलर जो इन इम्प्लीमेंट पे होता है वो कैसे होता है। तो मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। धन्यवाद।